बिहार में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सूबे के मुखिया ने हर प्रखंड से लेकर हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवाया। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचारियों में भय आया बल्कि उनको रंगे हाथ पकड़ना भी आसान हो गया। दरअसल नालंदा जिले के बिंद प्रखंड में पदस्थापित पर्यवेक्षिका संगीता कुमारी के घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं इस संबंध में जिला अधिकारी शशांक शुभांकर ने बताया कि इस वायरल वीडियो के बारे में उन्हें भी जानकारी मिली है। वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। जांच में अगर मामला सही पाया गया तो पर्यवेक्षिका के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं और दो दिन के अंदर उसको जांच कर लिया जाएगा। सही पाए जाने पर FIR की कार्रवाई की जाएगी। सर, मामला क्या है सर पूरा? नहीं, वीडियो वायरल हुआ है और उसमें पैसा लेने की शिकायत है, तो जांच हो जाएगा तभी हम पूरा किन किन का वीडियो है सर जो संबंधित पदाधिकारी अधिकारी हैं? पर्यवेक्षिका का वीडियो है। बिंद, हाँ, जांच होने के बाद ये मॉडल डिटेल बता पाएंगे। जानकारी के अनुसार हर आंगनबाड़ी से 3,000 रुपए रजिस्टर मेंटेन के नाम पर लिया जाता है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं CDPO की भी संलिप्तता सामने आ रही है। इस मामले को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम और अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ को आवेदन दिया जा चुका है। जनहित को देखते हुए इस मामले को गंभीर रूप से लेकर आला अधिकारियों को बताया गया। पंजाब केसरी TV के लिए नालंदा से महमूद की रिपोर्ट।